सतना में कलेक्टर अनुराग वर्मा के द्वारा नौनिहालों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने के लिए समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। उचेहरा में आयोजित किए गए इस समर कैंप को कलेक्टर के नवाचार के रूप में देखा जा रहा है। यहां बच्चे विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेकर अपने ग्रीष्मकालीन अवकाश का सदुपयोग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने भी कलेक्टर की इस पहल को काफ़ी सराहा है। यहां बच्चे समर कैंप के जरिए शतरंज, कबड्डी, बास्केटबॉल, क्रिकेट आदि खेलों में हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं कई बच्चे कलात्मक गतिविधियों में भी हिस्सा ले रहे हैं। ये शिविर सीएम राइज विद्यालय उचेहरा में चल रहा है। हमारे यहाँ 1 मई से और 13 जून तक पहले जो है तो समराइज का है कैंप, और 5 जून से 5 मई से 5 जून तक ये जो है तो स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से है, इसमें संयुक्त जो है तो कार्यक्रम चलता है। हम बच्चों को यहाँ पर क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, रोप, बैडमिंटन आदि सामग्री उपलब्ध कराते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। सामान यहीं देते हैं पूरा? हाँ, सामान हम अपने यहाँ से देते हैं, स्कूल से। स्कूल से जी। स्कूल शिक्षा विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय के द्वारा समर कैंप का आयोजन 5 मई से 5 जून तक आयोजित होता है, जो पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ स्टार्ट है। सतना जिले में समस्त ब्लॉकों पर ये समर कैंप लगाया गया है, जो कि खेल युवा कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग का एक ब्लॉक स्तरीय कैंप सीएम राज विद्यालय के मुख्यालय के खेल मैदान पे है। बाकी जितनी भी स्कूलें हैं अपने अपने स्कूल के बच्चों को वहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और हमारे बीच PTI शुक्ला सर, नीरज सर और शुक्ल विनोद सर, सोनी सर, ये शिक्षकों की ड्यूटी लगी है। वो पर्याप्त खेलों में बच्चों को कुछ एक्सरसाइज करवा के सिखाते हैं। और हमारे सीनियर खिलाड़ी इस विद्यालय का और विकास खंड का मोहम्मद आशिफ, ये ट्रेनर के रूप में हमने इसको भी अपने साथ ही रखा। ये बच्चों को पूरी एक्सरसाइज 1 घंटे की, उसके बाद ही बच्चे ग्राउंड पर खेलते हैं। और मैं सभी स्टाफ का सहयोग मिलता है और पेंटिंग वगैरह, पर्यावरण, ये भी कार्यक्रम चलते हैं, बच्चों को सिखाया जाता है, डांसिंग की भी क्लासेस लगती हैं।